या बातमीचे प्रायोजक आहेत ओंकार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। शेती उपयोगी साहित्य, शेती संबंधी साहित्य आणि इतर साहित्य होलसेल दरात मिळण्याचे जुन्नर तालुक्यातील एकमेव ठिकाण। ठीक आहे, प्लीज आप बोलिए अमोल कोले जी, प्लीज प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक घटना है और इस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में हर उस व्यक्ति जो मंदिर निर्माण के कार्य में जिसने योगदान दिया है उनके साथ मैं पूरे देश का अभिनंदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर तथा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ये राजनीतिक या चुनाव प्रचार का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे देश की ये गौरवशाली परंपरा रही है कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि धार्मिक कट्टरता राष्ट्र को नुकसान पहुंचाती है, वही धार्मिक उदारता एवं वैश्विकता राष्ट्र को मानवता के ऊंचाई पर पहुंचाती है। और मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने पर कि मेरा हिंदू धर्म इसी उदारता, वैश्विकता और सहिष्णुता की वजह से विश्व में वंदनीय है। आणि मला अभिमान आहे मी मराठी असल्याचा, कारण मी त्या महाराष्ट्रातून येतो ज्या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जातीच्या लोकांना एकत्र करून रयतेचं राज्य, स्वराज्य निर्माण केलं। मी त्या महाराष्ट्रातून येतो ज्या महाराष्ट्रामध्ये चंद्रभागेच्या तीरी 18 पगड जातीच्या वारकरी बांधवांचा, वैष्णवांचा मेळा जमतो आणि तो एकाच पांडुरंगाच्या चरणी लीन होतो। मी त्या महाराष्ट्रातून येतो ज्या महाराष्ट्रातून महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रूढींच्या आणि परंपरांच्या आणि कर्मकांडाच्या चौकटी झुगारून मानवतेला अधिष्ठान मिळवून दिलं। अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर देश की आस्था का विषय, भक्तिमार्ग का विषय, और भक्तिमार्ग में माध्यम, साधन और साध्य, इन तीन चीजों का बहुत महत्व होता है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं या जाप करते हैं या आरती करते हैं, ये माध्यम हुआ। सामने मूर्ति रखते या फोटो फ्रेम रखते हैं, ये साधन हुआ। और साध्य होता है परमात्मा से आत्मा का संवाद। और इसीलिए राम मंदिर साध्य नहीं है, राम मंदिर साधन है, साध्य होना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के आदर्शों का अपने जीवन में अनुसरण करना, आचरण करना। प्रभु श्री राम जी एक वचनी, एक बानी, एक पत्नी कहलाते हैं। एक वचनी प्रभु श्री राम जी के जब हम भक्त कहलाते हैं, एक वचनी प्रभु श्री राम जी के जब हम भक्त कहलाते हैं, तो देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलने का वादे का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी का क्या हुआ? 2022 तक हर किसी को पक्के घर मिलने का इरादे का क्या हुआ? इन वचनों पर अंतर्मुख होकर विचार करना होगा। प्रभु श्रीराम जी का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वो है हर नागरिक को समान न्याय की दृष्टि से देखना। समान न्याय की दृष्टि से देखना, लेकिन समस्त देशवासी देख रहे हैं, जब आईस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की जब कार्रवाई होती है तो सिर्फ पक्ष के नहीं, विपक्ष के नेताओं पर, 2 मिनट, विपक्ष के नेताओं पर होती है। और जैसे ही कोई सत्ता पक्ष का दामन थाम लेता है तो भ्रष्टाचार के आरोप पर ईडी की कार्रवाई, सब नामो निशान मिट जाता है। तो क्या यह समान न्याय दृष्टि है? अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय मैं राम मंदिर पे आ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मैं राम मंदिर पे आ रहा हूं, मैं नारायणगांव से आता हूं, जो तमाशा पंडरी कहलाती है, और तमाशा लोकनाट्य ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा। प्रस्ताव से सहमत है या असहमत है, इस पर बोलिए आप। जी मैं सहमत हूँ, इसीलिए इसी पर तो आ रहा हूँ। और तमाशा ये हमारी परंपरा है, इसमें वगनाट्य होता है और ये वगनाट्य व्यंगात्मक रूप से होता है। तो ये व्यंगात्मक रूप से लिखने वाले एक लेखक ने मुझे कहा कि वो कलयुग का रामायण लिख रहे, तो मैंने पूछा कैसे, कलयुग में कैसे राम होगा, कलयुग में रामलला आएंगे लेकिन रामायण कैसे होगा? तो वो वगनाट्य लेखक ने मुझे कहा, देखो रामायण में कांचन वृक्ष का लालच दिखाकर रावण ने सीता का हरण किया था, कलयुग में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर चुनाव चिन्ह, पार्टी और नेताओं का हरण होता है। रामायण में सीता मैया अशोकवन में विलाप कर रही थी, आज लोकतंत्र कलयुग में विलाप कर रहा है। तो मैंने पूछा, सर सिर्फ 2 मिनट दीजिए, तो मैंने पूछा इस पे उपाय क्या है, क्योंकि रामायण में तो हनुमान जी ने समुद्र लांघकर सीता मैया को राम जी की अंगूठी दी और उनका ढाढ़स बांधा। उन्होंने बोला आज भी हो सकता है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने बोला उन्हीं हनुमान जी से प्रेरणा लेकर समस्त देशवासियों को झूठी गारंटी और झूठे प्रोपेगेंडा का समुद्र लांघकर मतदान की अंगूठी देनी होगी और लोकतंत्र का ढाढ़स बांधना होगा। और अंत में अध्यक्ष महोदय, आई एम कंक्लूडिंग, अंत में मेरी ही रची एक कविता की पंक्तियां सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और इसी के साथ एक कलियुग के उदाहरण का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय,
कलयुग में एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने यह आदर्श प्रस्तापित किया कि इंसान धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म इंसानों के लिए बनाए, और वो आदर्श है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए मैं जय श्री राम जरूर कहता हूं, लेकिन उससे पहले जय शिवराय कहता हूं, कारण छत्रपति शिवाजी महाराज होते ज्यांच्यामुळे अंगणातली तुळस, मंदिरातले देव, गोठ्यातली गाय आणि घरातली माय सुरक्षित राहिली, ज्यांनी राज्याभिषेकाच्या वेळी राजदंड स्वतःच्या हाती ठेवून धर्मसत्ता राजसत्तेच्या वर नाही तर तिच्या खांद्याला खांदा लावून लोकांच्या कल्याणासाठी राबवली गेली पाहिजे, हा आदर्श प्रस्थापित केला उन्हीं छत्रपती शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ हम मना रहे। और संयोगवश माननीय प्रधानमंत्री जी शिव जयंती के अवसर पर मैंने चुनाव क्षेत्र का अभिमान किले शिवनेरी पर आ रहे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और साथ ही में बड़ी विनम्रता से उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके करकमलों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, लेकिन अरबी समुद्र में होने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव स्मारक, जिसका जल पूजन आप ही के करकमलों से 24 दिसंबर 2016 में हुआ था, वह अभी भी निर्माण की प्रतीक्षा। सर सिर्फ दो मिनट दीजिए, सिर्फ दो मिनट, और दो इसी के साथ बराबर एक्सटेंड हो रहे सर, उसी शिव स्मारक, एक ही स्पीकर हूं सर, और उसी शिव स्मारक के साथ मेरे चुनाव क्षेत्र शिवनेरी किले के परिसर में शिव संस्कार स्मारक बनाया जाए, जिससे देश के युवाओं को माता और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च योगदान की प्रेरणा मिलती रहे। और अंत में मेरी कविता की पंक्तियां सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला भी विराजमान हुए, मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला भी विराजमान हुए। अब जिम्मेदारी बनती है और सवाल भी उठता है, अब जिम्मेदारी बनती है और सवाल भी उठता है, रामलला तो आ गए, अब राम राज्य कब आएगा? मंदिर में घंटा बजाने से, पूजा अर्चना करने से दिल को सुकून तो मिलेगा, परंतु मेरे देश में राम राज्य कब आएगा? आस्था के विषय पर राजनीतिक रोटियां सेकने से चुनाव प्रचार का मुद्दा तो मिलेगा, आस्था के विषय पर राजनीतिक रोटियां सेकने से चुनाव प्रचार का मुद्दा तो मिलेगा, परंतु मेरे देश में राम राज्य कब आएगा? राम राज्य तो तब आएगा, राम राज्य तो तब आएगा जब धोबी की तरह आम देशवासी की शंका का समाधान होगा, जब आज की शबरी के बेरों का आदर और प्रेम पूर्वक स्वीकार होगा, जब किसान मजदूर महिला हर नागरिक के साथ समान न्याय होगा, किसानों को मेहनत का सही दाम और मेरे हर युवा के हाथ को काम होगा, राम राज्य तो तब आएगा। सर सिर्फ दो मिनट कंक्लूडिंग सर, राम राज्य तो तब आएगा, राम राज्य तो तब आएगा जब मंदिर पर लहराता भगवा तिरंगे का रंग प्रतीत होगा, दहलीज के बाहर कदम रखते ही राम रहीम रॉबर्ट हर कोई सिर्फ भारतीय कहलाएगा। जब सर दो मिनट सर, लेट मी कल सर, लास्ट लाइन, राम राज्य तो तब आएगा जब एकात। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।